अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। खाने में बरकत का नबवी फार्मूला। चंद सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम खाना खाते हैं मगर हमारा पेट नहीं भरता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, शायद तुम लोग इलाहिदा इलाहिदा खाते हो। उन्होंने अर्ज़ किया कि जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग खाना एक जगह जमा होकर और अल्लाह का नाम लेकर खाया करो, तुम्हारे खाने में बरकत होगी। और दूसरी बात, अपनी ज़ुबान से निकले अल्फाज की ज़िम्मेदारी तो हम ले सकते हैं, लेकिन समझने वाले की सोच की ज़िम्मेदारी किसी तौर पर नहीं ली जा सकती। काली ऐनक लगाकर दुनिया को काला कहना कुछ लोगों की तरबियत में शामिल होता है। अपनी ख्वाहिशों को कभी अपने कदमों से आगे ना निकलने दे। जो मिल जाए उस पर शुक्र अदा करें और जो छिन जाए उस पर अफसोस ना करें। यकीनन इन सब में अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलियत होगी जो आप नहीं जानते, लेकिन अल्लाह खूब जानता है। कभी सोचिए साहब, चले कहाँ से थे और कहाँ पहुँच गए। अगर कदम मंजिल पर हैं तो शुक्र कीजिए, और कदम भटके हुए हैं तो फिक्र कीजिए।